गोरखपुर जनपद में पाए गए कोरोना मरीज के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया कि 26 अप्रैल को बाबूलाल उम्र 50 वर्ष पुत्र नंदलाल निवासी हाटा बुजुर्ग थाना उरवा 7:30 बजे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिट हुआ, जहां टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। जानकारी करने पर पता चला कि मरीज 26 अप्रैल को ही दोपहर में दिल्ली से प्राइवेट एम्बुलेंस से गोरखपुर आया था। जिलाधिकारी केवजन पांडे ने बताया कि दिल्ली में पीड़ित को हार्ट सुगर बीपी की समस्या के साथ साथ माइनर हार्ट अटैक के कारण 19 अप्रैल को फरीदाबाद सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 में सीधा रेफर होकर उसी दिन दिल्ली से सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहाँ 5 दिनों के बाद 26 अप्रैल को एक एम्बुलेंस के साथ उरवा क्षेत्र के राममुनि और सोनू दिल्ली से वापस अपने गाँव कर आए थे। मरीज को सांस की तकलीफ पर यह लोग गांव के अंदर न जाकर कुछ देर बाद 108 एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल के बाहर से ही रेफर होते हुए मेडिकल लाए थे। सर्विलांस स्थानीय थाने से कांटेक्ट ट्रेसिंग मूवमेंट की गहन जानकारी की जा रही है। अभी तक चिन्हित सभी सस्पेक्ट को क्वारंटाइन किया जा चुका है। संबंधित सफदरजंग और सर्वोदय अस्पताल के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। फिलहाल उसकी स्थिति अभी सामान्य है, जबकि इस संबंध में गोरखपुर न्यूज को घटनाक्रम की पूरी जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा। एक पेशेंट जो दिल्ली में इलाज ले रहा था एक हॉस्पिटल में, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उस संबंध में वो वहाँ भर्ती हुआ था और थोड़े दिन बाद उसको कहा गया कि अब आप डिस्चार्ज किया जाता है, जो भी रीज़न हो या रेफ़र किया जाता है, ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है। तो वो वहाँ से उसने ये डिसाइड किया कि हम अपने गाँव ही चलेंगे। हाटा बुज़ुर्ग का रहने वाला है और हाटा बुज़ुर्ग के बगल के दो गांव के दो लोग दिल्ली में उसके साथ नौकरी कर रहे थे, जो हम वो नौकरी करता था, उन तीनों ने डिसाइड किया कि हम यहां से प्राइवेट एम्बुलेंस हायर करके अपने गांव चलेंगे। वो कल वहां 12 बजे हाटा बुज़ुर्ग आया और वो दो लोग भी आए उसके साथ। उसके बाद उसकी सांस फूलने लगी, एक तो इतनी लंबी यात्रा, दूसरे वैसे भी हार्ट और उसका पेशेंट था, तो उसको हमारी 108 बुलाकर बीआरडी जब ले जाया गया तो वहाँ उसकी सांस, क्योंकि हर सांस फूलने वाले व्यक्ति की हम टेस्टिंग करते हैं, वहाँ पे टेस्ट किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव आया। इस समय उसकी हालत स्थिर है क्योंकि वो बीआरडी में आइसोलेशन में इलाज चल रहा है उसका, और उसके कॉन्टैक्ट्स को, जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स से जो साथ में आए थे और जो उसके घर वाले थे, उन सबको हमने क्वारंटाइन फैसिलिटी में क्वारंटाइन कर लिया है और उनके सैंपल करेंगे, जाँच करेंगे और आगे जैसा भी उनका नेगेटिव या पॉजिटिव जैसा आएगा उसके अनुसार। हाँ, उसका इलाज चल रहा था हार्ट का और उसका इलाज चल रहा था डायबिटीज़ का, जो कि अनकंट्रोल्ड थी और जिसकी वजह से आप जानते हैं कि हार्ट की बहुत सारी बीमारियों में सांस फूलने लगती है, तो उसमें वो भर्ती था और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि उसको रेफ़र किया गया था, लेकिन वो रेफ़र जिस हॉस्पिटल में किया गया था वहाँ ना जाके उन्होंने एम्बुलेंस करके और हाटा आ गए वो, और यहाँ पे फिर जब सांस की तकलीफ बढ़ी है तो हमारी 108 चूँकि दिल्ली की एम्बुलेंस वापस चली है, 108 से वो हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज। कितने लोगों को और उनके साथ जान चली सर? उनके साथ हमने इमीडिएटली दो जो साथ में आए थे और उनका बेटा, तीन को इमीडिएट रात में ही क्वारंटाइन कर लिया था। 16 ऐसे और लोग हैं जो कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनको भी कुल 19 लोगों को क्वारंटाइन करके आगे की कार्रवाई कर रही है।